हुए जाऊंगी और सबको आगाह करते हुए जाऊंगी कि भाई मारा पीटी गाली गलौज बीबी के साथ नहीं करना, और बीबियों को भी हिदायत दी जाएगी कि आप लोग अपने पति का मान सम्मान आदर करना जो हमारा काम है, तभी समाज अच्छा बनेगा। थैंक यू सो मच। एक और फरमाइश है, मैं मुखरा ले लीजिएगा। आदरणीय विष्णु ओझा जी का गाना है, YouTube पर सभी ने सुना इस गाने को, और विदाई गाने की फरमाइश है, लेकिन मैं वो पूरा नहीं कर पाऊंगी कि हमारे बीच में हेमा बहन बैठी है और बड़ी प्यारी प्यारी गाने आप सबको सुनाएंगी वो, और आर्यन भी रहेगा। आर्यन चलो के साथ में रहोगे? आप जैसा बोलिए। अरे पापा से पूछो, हेडक्वार्टर दोनों तरफ बैठे हैं तुम्हारे, दोनों तरफ से आगे ले लेना। जीवन में भात न पकाइब नाही मां जब बरतनवा, आज से 7 साल पहले मैं ये गाना गाई थी दिल्ली कोयला डेरी में कार्यक्रम हुआ था, और वो इतना कार्यक्रम वायरल हुआ क्योंकि ये गाना टी सीरीज का गाना है और 500 मिलियन प्लस व्यूज हो गया लड़की के नए चैनल पर। बेचारे टी सीरीज वाले ने ब्लॉक ही मार दिया, लेकिन आप लोगों का नाम हमारे यही दरपा से पांडे जी से आगे ले लिया जाएगा। जीवो जो भात न पकाइब नाही मां जब बरतनवा, जीवो जो भात न पकाइब नाही मां जब बरतनवा। आप लोग खास कर ध्यान दीजिएगा कि दहेज दे के किन ले जाना, दहेज दे के किन ले जाना, तोहर ऐसा सनवा दहेज दे के किन ले जाना, ऐसा सनवा दहेज दे के किन ले जाना।
चाहिए हमको सोफा सेट चाहिए, हमारे पिताजी सक्षम नहीं थे उसे हम देने के लिए दहेज, लेकिन आपने बड़ी जोर जबरदस्ती किया और दहेज तो ले लिया, लेकिन अपने पापा की मैं दुलारी बेटी हूँ, पापा की पड़िया बड़ी हूँ, पापा की पड़िया तो काम भी आ जाती है, लेकिन पापा के पाड़ा किसी काम का नहीं होता है, वो तो बस मजाक है। जिला महामंत्री राजा जिनके तरफ से बहुत सारा प्यार आशीर्वाद है। भीम बड़े बड़े से करी रानी ललका की कन्या न्यारे, भीम बड़े बड़े से करी रानी ललका की कन्या न्यारे, आखिरी बात हमारी सुन लो आर्य आर्य, दहेज लेके शादी करोगे, दहेज लेके शादी करोगे तो ये चीजें तुमको झेलना पड़ेगा, इसीलिए विदाउट दहेज में शादी करो, जैसे हमने अपने भैया की शादी किया है, लेकिन भैया की शादी कर लिया पाठक जी, आप भी थे उस शादी में, पहली मुलाकात की आर्य से साथ साथ भैया अपने ऊपर ले लिए, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है कि दहेज में भी शादी करवाई, क्योंकि लोग लंबा समय था, इसीलिए हमको साथ साथ तैयार हो गया, बड़ा दिक्कत होता है, ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं, पत्नी कहती है क्या भाई कटहल हजाई पानी मरता है, लेकिन एक प्रथा चला है नाखून बढ़ाने का, आज के समय में जो न्यू जनरेशन है सारी लड़कियों की नाखून बड़ी बड़ी होती है, मेरा है लेकिन बहुत कम है, थोड़ा बहुत क्योंकि हाथ इतना लंबा है कि मेरा नाखून ऑलरेडी लंबा हो गया है, पत्नी कहती है क्या बढ़ जन जो माज बसैया बढ़ लंबी आ जाए,
प्यार ऐसे ही बना रहे, यही कामना है कि तुझको ना देखूं तो आंखें घबराती हैं, तुझको ना देखूं तो आंखें घबराती हैं। चाहे कितनी भी पति पत्नी में लड़ाई हो जाए लेकिन लास्ट में जाके मिल ही जाते हैं ना बाबी। आप भी लड़ाई करती होंगी भैया से लेकिन लास्ट में मिल ही जाती है, कहती है कि भाई यही तो हमारे मलौता पति है। पत्नी वर पर पति आजकल हो गए हैं, पहले लोग पति वर्ता पत्नी हुआ करती थी, आजकल लोग पत्नी वर्ता पति हो गए हैं। लेकिन जब पति नाराज हो जाए तो पत्नियां बड़े प्यार से मनाती हैं, कैसे कि तुझको ना देखूं तो आंखें घबराती हैं, तुझको ना देखूं तो चैनवा है महिला मीना।